नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। तो अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे उनके पोर्टफोलियो प्लानिंग पर क्या है हमारे एक्सपर्ट की राय। हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, आपका स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। शो की शुरुआत करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। शेयर बाजार की दो दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। रिकॉर्ड स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, हालांकि छोटे मझौले शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 174 अंक और निफ्टी 47 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। और टेलीकॉम और आईटी शेयरों पर आज बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत देवगन भी जुड़ गए हैं। बताइए जी। बिल्कुल, कल है अगस्त सीरीज की एक्सपायरी, उससे एक दिन पहले मुनाफा वसूली बाजार पे हावी रही और ये अंतिम चरण में तो ज्यादा हो गई, जो 11,700 के लेवल के नीचे ले गई निफ्टी को। लेकिन आज अगर चढ़ने वाले सूची देखें तो वहां पर ज्यादा बेहतर रुझान देखने को मिला था मेटल रियल्टी जैसे स्टॉक्स में। निफ्टी पे सबसे ज्यादा तेज चला यूपीएल, उसके बाद बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ONGC जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। दबाव था कोल इंडिया पे, सबसे ज्यादा टूटा है आज निफ्टी पे। इसके अलावा पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आइशर जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर दबाव आता हुआ नजर आया। ल्यूपिन भी कमजोर हुआ। लेकिन बैंक्स, जैसे मैंने कहा कि आज तेजी में थे पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, OBC, कैनरा, परसेंटेज के लिहाज से सरकारी बैंक्स पे बेट लग रही थी। इसके अलावा मेटल्स, जिसमें टाटा मेटालिक्स, टिन प्लेट और सेल, नालको जैसे स्टॉक्स आगे आए और इन्होंने आज अच्छे रिटर्न्स दिए ट्रेडर्स को। रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला HDIL में, जोरदार तेजी में था ये स्टॉक, लगभग 10% ऊपर बंद हुआ है। अनंतराज, IB रियल और DLF जैसे स्टॉक्स भी मजबूत थे। चाय कॉफी शेयर सुबह से ही तेजी में थे, जिसमें जयश्री टी इस स्टॉक ने आज दमदार एक्शन दिखाया। कॉफी डे जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम था और ADAG अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स जो थे वहां पर आउट परफॉर्मेंस दिखी। और रिलायंस कैपिटल और इंफ्रा दोनों ही स्टॉक्स लगभग दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। इंटेलेक्ट डिजाइन, फ्यूचर कंज्यूमर, डेटामैटिक्स और IFCI, तो कह सकते हैं ये जो स्टॉक्स हैं ये ब्रॉड बेस खरीदारी इस समय मार्केट पे देखने को मिल रही है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इंडेक्स स्पेसिफिक देखने को मिली एक्सपायरी से पहले। ओके, तो चलिए शेयर बाजार का हाल जानने के बाद अब करते हैं शो में दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। श्वेता जैन हमारे साथ बनी हुई हैं और सबसे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश कुमार। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बताइए, आपने कुछ निवेश किया हुआ है, कुछ फंड्स भी हैं आपके, जरा थोड़ा सा डिटेल्स में आप बताएंगे। जी, एक्चुअली मैंने तो गोल्ड वगैरह मेल में दिया हुआ है। मैं जी बिल्कुल, चार फंड में अभी निवेश कर रहा हूँ। एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, SBI ब्लू चिप और मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में अभी निवेश कर दिया हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा गोल है, अभी टोटल इन्वेस्टमेंट ना 15,000 का है, तो इसमें 4,000, 4,000, 4,000 और 3,000, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पोर्टफोलियो में मेरा है वो सही है निवेश बढ़ा सकते हैं अपना। और अभी तो आप 27 साल के हैं, अब लाइफ में आगे आगे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी अच्छा खासा, अब अगर नौकरी में तरक्की मिलती है तो 15,000 से निवेश बढ़ा सकते हैं? जी बढ़ा सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। अभी रिसेंटली मैं 1,000 और ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो सही है कि नहीं है। ठीक, और एक बात जानना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का निवेश है ELSS में, तो क्योंकि ELSS में जैसे लॉकिंग हो जाता है 3 साल के लिए, तो मैक्सिमम तो 5 साल के बाद ही उसको निकाल सकते हैं, तो मतलब वो सही है कि नहीं है, क्योंकि वो तो लॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और एक नंबर 3 पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरा सब फंड का मैं AUM देख रहा था, बहुत बड़ा बड़ा फंड है, तो उसमें कुछ इश्यू है या फिर मेरा फंड सही है? ओके, श्वेता हमारे साथ है एक्सपर्ट, वो आपको आपके पोर्टफोलियो पर राय बताएंगे। श्वेता बताइए। जी राकेश जी, आपने अपने गोल्स जो बताए हैं उसके हिसाब से अगर आप 16,500 रुपए निवेश करें प्रति मंथ, तो आपका गोल्स तक आप पहुंच जाएंगे। आपके रिटायरमेंट के लिए आपको 4,500 रुपए, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए 7,000 रुपए और आपके ट्रैवल गोल के लिए 5,000 रुपए निवेश करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बताया कि बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे रिटायरमेंट का गोल आपने आज 1.5 करोड़ बोला है, पर 1.5 करोड़ अगर आज के वैल्यू में तब के लिए देखा जाए तो आज 45 लाख ही इक्विवेलेंट होगा, तो वो बस नहीं होगा। तो जैसे आप बढ़ा सकते हैं, आप अपने निवेश को बढ़ाते जाइए।
आपने कुछ फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है, वो फंड्स वैसे ठीक है, बट जैसे एसबीआई म्यूचुअल काफी बड़ा फंड हो गया है तो परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है, वो हमको दिख रहा है आज भी। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने निवेश के लिए, अगर आपको बहुत वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो आप मिड कैप फंड्स में ना करें, आप इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं। आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आप जैसे देख सकते हैं। अगर आपको वैसा ही एक और लोअर रिस्क फंड चाहिए तो डीएसपी इक्वल वेटेड निफ्टी 50 भी आप देख सकते हैं। इनमें क्या होता है कि कॉस्ट आपका थोड़ा सा कम हो जाता है स्कीम में भी। आपने ईएलएसएस के लिए पूछा था तो आप आदित्य बिरला टैक्स सेवर टैक्स रिलीफ मैं आपको रेकमेंड करी इंस्टेड ऑफ एक्सिस लॉन्ग टर्म एक्विटी फंड, इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप अपना निवेश ऐसे ही करते रहिए और बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके, तो राकेश जी आपको अपने पोर्टफोलियो पर सलाह मिल गई है। अब अगले कॉलर से बात करते हैं, हल्द्वानी से हरीश रौतेला जी इस वक्त हमारे साथ है। हरीश जी स्वागत है आपका शो में हमारे, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बताइए कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है, अपना सवाल आपने भेजा है हमें, जरा बताएंगे और क्या चाहते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट से? मैम जो मैंने ये जो गोल अपना बनाया हुआ है इसमें मैंने अभी एक्चुअली ये जो है रिसेंटली स्टार्ट की है। इसके अलावा मेरे अदर इन्वेस्टमेंट है अपना पीपीएफ और अदर आरडी वगैरह में। ओके, तो मैं अगर इस जो मेरा गोल है 5 से 6 लाख मुझे 5 साल बाद चाहिए और 10 लाख आफ्टर 10 ईयर चाहिए, इसके बाद रिटायरमेंट में 50 लाख लेस। तो इसके लिए मैम तो ये एक तो ये था कि इसमें मुझे और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा था जो मैंने 3 ही फंड लिए हैं ये कैसे फंड्स हैं? ओके, एक्चुअली मुझे म्यूचुअल फंड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। कितना समय हो गया? अभी तो मैं लास्ट मंथ से ही शुरू किया है, पिछले महीने निवेश की शुरुआत कर चुके हैं। अब जानना चाहते हैं कैसे फंड्स हैं। श्वेता कैसे लग रहे हैं इनके फंड्स आपको? जी इनके फंड्स अच्छे हैं वैसे, बट एक्सिस फोकस 25 का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली काफ़ी अच्छा रहा है, बट रिस्क भी उस फंड में ज़्यादा है क्योंकि एक काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। हम अक्सर यही देखते हैं कि निवेशक रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश कर लेते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं निवेशकों से कि वो स्कीम का परफॉर्मेंस ही नहीं, स्कीम का मैंडेट भी देखें, स्कीम का कैसे उनको मैनेज किया जा रहा है, क्या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ये देख के फिर निवेश करें। ये भी इनको पता रहना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम निवेशक है इक्विटी में और म्यूचुअल फंड्स में। मैं इनको ये एक बात समझानी चाहूँगी कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में गुड ईयर्स भी होते हैं, बुरे साल भी होते हैं, तो इनको थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, उतार चढ़ाव के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो जो ये 5 से 7 साल एटलीस्ट रख सके उसमें वही इनको इक्विटीज में निवेश करना चाहिए। इनके गोल्स के लिए जो इन्होंने बताया है, बच्चे के एजुकेशन के लिए 12,000 रुपये पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। इन्होंने जो 5 साल बाद 6 लाख का गोल बताया है उसके लिए इनको 7,000 रुपये निवेश करना पड़ेगा, और रिटायरमेंट के लिए इन्होंने बताया है 50 लाख रुपये। तो मैं वो आज की डेट पे अगर लूँ तो वो 2 करोड़ रुपये इनके रिटायरमेंट के टाइम हो जाएगा जो 20 साल बाद है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो वो इसके लिए इनको 20,000 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। ओके हरीश जी, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, जो एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। एक और कॉल इस वक्त हमारे साथ है पारुल जी। पारुल जी कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। कहाँ से आप सर? दिल्ली। दिल्ली से, ओके। और बताइए जरा अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ 10 साल के बाद। बिल्कुल, घर खरीदना है आपको जिसके लिए आपको 50 लाख की जरूरत है, 20,000 की SIP आप कब से कर रहे हैं? मैं अभी इसी साल से स्टार्ट कर 4 मंथ हो गए, 4-5 मंथ। 4 महीने से शुरू आपने कर चुके हैं, और ये जो फंड्स आपने अपने लिए चूज किए ये किसी की सलाह से चूज किए? ये मैंने अपना खुद पोर्टफोलियो पूरा क्रिएट कराया और उसे भी सलाह ली थी मैंने। ओके ठीक है, तो आपका एकमात्र गोल आपका घर खरीदने का ही है? हाँ जी, जो आगे और गोल आएंगे उसे भी तो करना है आगे, जो गोल आते और कौन कौन से गोल, मतलब शादी, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह? शादी के लिए भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अपने एक्सपर्ट से भी पूछ लेते हैं कि फिलहाल आपने जो सवाल भेजा है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो फंड्स आपने चूज किए हैं वो कैसे हैं, और SIP क्या सही अमाउंट की है पारुल की? श्वेता पारुल जी आपने 50 लाख के लिए
20,000 रुपए पर मंथ निवेश करना शुरू किया है. हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 21,000 अगर आप डालें तो एकदम अपने करेक्ट ट्रैक पे रहेंगे. तो आपने काफी बराबर अमाउंट ही स्टार्ट किया है. बस यही है कि आप क्योंकि 10 साल है तो आप इसमें निवेशित रहे, आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाए. आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा लग रहा है, एक कॉम्बिनेशन है मिड लार्ज और मल्टी कैप का. तो स्कीम्स में इनको कोई चेंज करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, बस इनको बोलूंगी कि उतार चढ़ाव में भी ये कंटिन्यू करते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, तो महंगाई दर के मुताबिक अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए किसी को भी अपना गोल और उसकी राशि निर्धारित करनी चाहिए. ऐसे एक्सपर्ट्स भी हमारे बार बार तमाम निवेशकों को सलाह देते रहते हैं. और पारुल जी, आपको ऑल द वेरी बेस्ट. आपका ऑलमोस्ट जो निवेश करने का अमाउंट है वो सही है, थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है. 20,000 से थोड़ा आप 21,000-22,000 रुपए करें तो आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. चलिए अगले कॉलर की तरफ आगे बढ़ते हैं. बबलू रजक साहब हमारे साथ है. कैसे हैं सर आप? हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ. गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैंने तो अपना पोर्टफोलियो भेजा था मैम, ये मुझे जानना था कि मैंने जो सब में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है ये फंड सिलेक्शन मेरा सही है या नहीं है वो मुझे जानना है. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे और 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है और मैं मल्टी कैप सॉरी मिड कैप में करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? आपको 2 लाख रुपए और निवेश करने हैं और 4 लाख. अच्छा, 4 लाख रुपए निवेश करने हैं किसी मल्टी कैप फंड में स्पेशली? हाँ, मल्टी कैप में. और मेरा टाइम पीरियड मैम लॉन्ग टाइम के लिए 28 के लिए लॉन्ग टर्म. ओके श्वेता, बताइए स्पेसिफिक इनका सवाल है, कुछ फंड्स हैं इनके और 4 लाख रुपए का जो लमसम अमाउंट एक पर्टिकुलर फंड में इन्हें निवेश करना है. बताइए, इनको एडवाइस दीजिए जरा. जी, इनकी स्कीम्स अच्छी लग रही हैं तो मैं इनको चेंज करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगी. और 4 स्कीम्स हैं और मल्टी कैप और मिड कैप का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा मल्टी कैप की तरफ है. तो इनको अगर अभी 4 लाख जो निवेश करना है, बस इन्होंने एक ही किया है कि लमसम में निवेश किया है. मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि अभी जो 4 लाख इनको इन्वेस्ट करना है वो ये STP के तौर पे करें. नेक्स्ट 6 मंथ्स to 9 मंथ्स के अगर ये STP कर सकते हैं 4 लाख का तो वो उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लमसम में हम रेकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करें. तो वही मेरा रेकमेंडेशन रहेगा. और कोटक मल्टी कैप और मोतीलाल मल्टी कैप में ये 2-2 लाख निवेश कर सकते हैं. कोटक मल्टी कैप काफी बड़ा फंड हो गया है तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, बट क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक अभी है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का, तो मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि निवेश अभी 4 स्कीम में ही कंटिन्यू करें. थोड़ा STP पे इनको अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि STP के जरिए कैसे निवेश कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर जो प्लान है, जो लमसम निवेश है, क्या फायदा इन्हें मिलेगा इसका? जी, क्या होता है, हम लमसम के तौर पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसी एक दिन का, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो जो भी हो, उस दिन की वैल्यू मिलती है हमको. STP में क्या होता है, हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा स्टैगर कर लें ओवर अ पीरियड, जैसे 6 महीने, तो मार्केट अगर नीचे है तो उस दिन हम ज़्यादा खरीदेंगे और मार्केट ऊपर है तो कम खरीदेंगे. तो एक डिसिप्लिनड तौर का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और हमारा कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है. तो इसीलिए मैं इनको रेकमेंड करती हूँ कि STP करें. STP ये ऐसे कर सकते हैं कि जो भी फंड में हमको निवेश करना है उसी फंड हाउस के एक लिक्विड फंड में ये निवेश कर ले, तो 2 लाख रुपए जैसे कोटक लिक्विड फंड में कर दे, तो उससे फिर ये हर हफ्ते या हर महीने का एक निर्धारित अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं कोटक मल्टी कैप फंड में. ओके बबलू जी, आपको राय मिल गई हमारे एक्सपर्ट की, उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. गोविंद गायके जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव हैं. गोविंद जी, कैसे हैं आप? हेलो मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जी, कहाँ से हैं आप सर? महाराष्ट्र से, पुणे. ओके, बताइए, आपने सवाल भी हमें भेजा है अपना. कब से निवेश कर रहे हैं आप? मैं मैडम अभी करने वाला हूँ अगले मंथ से. अच्छा, अभी शुरुआत की ही नहीं आपने? हाँ, अभी मतलब शुरुआत ही कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम में. और कितने अमाउंट से शुरू करने का प्लान किया? अभी तो 1,000. हेलो, हाँ हाँ, सुन पा रहे हम आपको. हाँ, 1,000 से कर रहा हूँ मैम. 8,000? 8,000. हाँ. ओके,
तो ठीक है, और क्या गोल आपके हो सकते हैं, किन किन गोल के तहत आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरा 1 करोड़ का है, मतलब 50 लाख रिटायरमेंट का गोल है और 50 लाख का बच्चों की पढ़ाई के लिए। ओके, गोविंद जी को सलाह दीजिए श्वेता कि अभी फिलहाल शुरुआत नहीं की है इन्वेस्टमेंट की। अच्छी बात है कि पहले इन्होंने कॉल करके पूछ लिया कि इनको अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए और कैसे फंड्स में निवेश करना चाहिए। जी, ये गोविंद जी ने अच्छा किया, क्योंकि हमको अक्सर लोग बाद में फोन करते हैं कि मैंने 1 महीने या 4 महीने पहले निवेश किया, अभी बताइए क्या करूं। तो इन्होंने अच्छा काम किया कि पहले ही बता दिया। इनका जो गोल है 1 करोड़ का 20 साल में, तो अगर हम इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करें तो मतलब 1 करोड़ रुपए अगर 20 साल बाद इनको मिले तो उसके लिए इनको 10,000 रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। इनको इन्होंने हाइब्रिड फंड भी डाला है, पर अगर इनको 20 साल के लिए डालना है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये इक्विटी फंड्स ही चूज करें, हाइब्रिड की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप फंड और मल्टी कैप फंड में ये निवेश कर सकते हैं, मोतीलाल मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं, ये IDFC कोर इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं जो कि ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ इन्वेस्ट करता है और ये मल्टी कैप फंड ही है। 3 स्कीम्स मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत होंगी, ज़्यादा इनको स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है। टैक्स सेविंग के लिए अगर इनको करना है तो आदित्य बिरला टैक्स सेवर में कर सकते हैं, टैक्स रिलीफ में कर सकते हैं ये। ओके, गोविंद जी ऑल द वेरी बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जरा आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह पर गौर कीजिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाइएगा। नीरज जी इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। ओके, बताइए सवाल आपने भेजा हमें, फिर भी थोड़ा सा डिटेल में क्या है आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग? बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैंने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, अगर आप मेरी चेन ऑफ मेल देखेंगे तो इस टाइम मैं ना 2 से 2.5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने लार्ज कैप में 2 आइडेंटिफाई किए हैं जो मेंशन किया, एक ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप है और एक एक्सिस का ब्लू चिप है। और एक मैंने मैं थोड़ा R&D करता रहता हूँ इन चीजों में, तो मैंने ना एक वो जो सेक्टर बेस्ड होते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड, सेक्टोरल फंड्स, हाँ, इसमें अगर इन्वेस्ट करूँ तो कैसा रहेगा? ओके, सेक्टोरल फंड्स में निवेश आप करना चाहते हैं, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, कब से कर रहे हैं इन्वेस्ट? एज वेल एज मैम, जो मैंने 2 फंड लिखे हैं इनमें से किसी एक में करूँ? मैम मेरे को तो 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है, ठीक है, बताइए स्पेसिफिकली सेक्टोरल फंड्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और कुछ आप इनके इन्हें राय देना चाहेंगे श्वेता? जी, इनको मैं कुछ 2-3 पॉइंट पे बात करना चाहूंगी। एक तो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स जो होते हैं उनको इन्वेस्टर्स को मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमको दोनों चीज़ इसमें सही करनी पड़ती है, एंट्री और एग्जिट, और हम यूजुअली दोनों ही सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मार्केट को टाइम करने का रेकमेंडेशन नहीं देते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर कोई थीम अच्छी हो जा रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे बैंकिंग हो, तो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी इनका एक्सपोजर रहता है, फंड मैनेजर्स उसमें निवेश करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा रिस्क ले। ये 1 साल से निवेश कर रहे हैं बट इन्होंने कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे नहीं है मार्केट में, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये कंटिन्यू करें अपना इन्वेस्टमेंट्स और सीखते रहें, बट सेक्टोरल फंड्स से थोड़ा दूर रहें। इनकी जो 2 स्कीम्स इन्होंने बताई है, ICICI ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप, में मैं ICICI ब्लू चिप ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये लोअर रिस्क लार्ज कैप फंड है, तो ये इसमें निवेश कर सकते हैं। इनको लमसम मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, जैसे मैंने पहले भी बताया मैं STP या SIP तौर पे थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ ताकि हमारा एवरेज आउट हो जाए कॉस्ट। तो मैं इनको रेकमेंड करूँगी कि पहले इन्होंने अगर लमसम डाला भी है तो आज ये STP के तौर पे करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो अगर जो भी, और जो भी इनका लॉन्ग टर्म है 5 से 7 साल तक के लिए ही इन्वेस्ट करें। ओके, ये इनको मैं रेकमेंडेशन देना चाहूँगी। चलिए नीरज जी, होपफुली आप इस सलाह पर अमल करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को वाइजली आगे बढ़ाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट सर। बबलू राम जी अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, कैसे हैं आप सर? नमस्कार मैम, बबलू बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, आपने सवाल भेजा है हमें अपना, और हाल ही में म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत भी की है, कहाँ से पूछकर फंड्स चूज किए आपने? मैम मैं पहले सुना था म्यूचुअल फंड के बारे में पर मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा तो फिर आपके प्रोग्राम्स रहते थे म्यूचुअल फंड के। ओके ओके, ठीक है। तो फिर वो मैंने लगातार 1 महीना देखा, फिर मुझे कुछ समझ आया तो फिर मैंने स्टार्ट किया। चलिए 21,000 रुपए की आपने SIP, आपकी सैलरी है इनफैक्ट, माफ कीजिए, और 4 फंड्स में आपका निवेश है,
और 2 करोड़ रुपए 20 साल के बाद रिटायरमेंट, और बच्चों के लिए 70 लाख रुपए 20 साल के बाद आपको चाहिए। 28 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत। श्वेता, इनकी कुछ फंड्स भी है इनके जिनमें ये निवेश अभी कर रहे हैं, कैसे फंड्स आपको लग रहे हैं इनके? जी, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्मॉल और मिड कैप में नहीं इन्वेस्ट करें। उनके रिटर्न्स, पास्ट रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, मुझे पता है, बट क्योंकि हमको एक अच्छा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस चाहिए तो हम रेकमेंड करते हैं कि लार्ज कैप या मल्टी कैप से स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने रिलायंस बैंकिंग फंड में निवेश किया है। जी जी, इन्होंने बैंकिंग फंड में भी निवेश किया है जो थीमेटिक फंड में आता है, तो वो भी मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इनको कोर्स करेक्शन करने का मैं इनको सलाह दूंगी कि ये जो SIP जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसमें बने रहें, बट आगे इनका SIP यहाँ पे रोक लें। ये अपना मल्टी कैप में अगर करना चाहे कोटक मल्टी कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि ये एक IDFC कोर इक्विटी में या फिर ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करें ताकि इनका वॉलिटिलिटी कम रहे, क्योंकि हम कितना भी हमको लगे बढ़ते हुए मार्केट में हमको लगता है कि हम नहीं उतार चढ़ाव देख सकते हैं, बट जब अपने इन्वेस्टमेंट को ये 2500 से 2000 बनता हुआ देखेंगे तो मुझे पता है कितना दर्द होता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि ये नहीं मिड कैप फंड से बाहर निकलेंगे तो कहीं एग्जिट लोड तो नहीं लग जाएगा? नहीं, इनको फंड से बाहर नहीं निकलना है, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है उसमें वो बने रहें, बट आगे के SIPs नहीं करें। अच्छा, आगे के SIPs उसमें करें ही ना। और जी जी, बात पूरी कर लीजिए। और इनके गोल्स के लिए, इनको 13,000 रुपए निवेश करना है, 7,000 बच्चे के एजुकेशन के, शादी के लिए, और इनको 6,000 अपने रिटायरमेंट के लिए, तो इनको थोड़ा सा निवेश भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, चलिए बबलू राम जी, आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, थोड़ा आप सोच समझकर आगे बढ़िएगा अपने निवेश में, एक्सपर्ट की राय को जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत शुक्रिया श्वेता, हमारे साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के आज के इस शो में शामिल होने के लिए।